ना तुम शादी के लिए राजी होते, ना मेरी बहन वसीयत लिखती, ना ही तुम्हारी अम्मी तुम्हारी फूफी जान की जगह टेस्ट कराती। हम ये दिन ना देखते। आज नहीं तो कल सबूत आएंगे, मेरे पास आएंगे और खुद चल कर आएंगे। जिसके लिए शादी का जोड़ा लाने की आस थी, उस कफन पहना दिया मैंने। तूने उसकी जिंदगी खराब करी है और अब मैं सवा की करूँ? बिजली पानी कटवाऊंगा, देखता हूँ 10,000 रुपए कहाँ से निकाल। अरे जब हिम्मत थी तो कुछ भी नहीं कर सका, अब क्या करूंगा? बुरा तो मैं हूँ। मैं तुम बुरे नहीं हो, ना तुम बुरे हो ना मैं बुरी हूँ। अरे बुरी तो हमारी किस्मत निकली। फरिश्ते के वैसा दामाद बुला लिया अल्लाह। मेरी बेटी मरियम के वैसे मगर बदनामी जगह सही की वजह से टूट के रही बेचारी। इसीलिए कहती हूँ जो लूटो अपनी बेटी को बाहर निकालो। अंदर नहीं बैठ के क्या करें? देखो जीना तो पड़ेगा ना, उसे अपने बच्चे के लिए अपने लिए। देखो हिम्मत मत मारो, उठो उठो चलो। अरे चलो भी उठो उठो जितनी करते। हिम्मत चलो, आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? या अल्लाह ये बुढ़ापे में कैसा हुआ बताया मेरे के मेरे मालिक। शमा बेटी, बेटी शमा। क्या है अबू जी? बाहर आओ ना बेटी। मैं आराम कर रही हूँ अबू जी। जरा बाहर आके आराम कर लो। मैं यही ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, फिक्र नहीं करो। अरे शमा बाहर आजा बेटा। शमा अम्मी जब जरूरत होगी मैं बाहर आ जाती हूँ, अब मुझे आराम कर लेना। आदाब। जी तेरा मियाँ। खैरियत? बस खैरियत ही खैरियत है मियाँ। आप तशरीफ रखिए। बेटा आबिद तुम ही शमा को समझाओ ना, सारा वक्त कमरे में बंद रहती है, खाना खाने बाहर निकलती है और फिर बंद कर लेती है अपने आप को। खाना तो खाती है? हाँ खाना खाती है बेटा। पूरा खाती है? हाँ। बाप डरने की क्या जरूरत है? इंसान अगर पूरा खाना खाता है तो जिस्म भी ठीक फंक्शन करता है, दिमाग भी नॉर्मल रहता है। पता नहीं बेटा, जब से अदालत ने फैसला सुनाया है उसने तो बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। शायद डरती है कि लोग उसे देखकर आवाजें कसेंगे। अच्छा है कस दे, कसें और वो सुन भी ले। वो अदालत में अपना चेहरा दिखा चुकी है, अब उनको भी दिखा दे और जता दे कि उनको लफ्जों का उस पर कोई असर नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मैं जाऊंगी, खुले मुंह जाऊंगी। दुनिया कहती रहे, भौंकती रहे, कैसे हैं आप? और आप और अश्रु? ठीक है, सब ठीक है। जब आदमी दुनिया की खबर पूछने लगे तो दुनिया को उसी खबर पूछने की जरूरत नहीं है। पर बेटा ये तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, अंदर बंद रहती है। अम्मा इम्तिहान खत्म हुए हैं उसके, केस खत्म हो गया, रिलैक्स कर रही है। जब गर्मी में दोपहर चढ़ती है तो लोग खिड़कियां बंद कर देते हैं, शीशों पर पर्दे खींच लेते हैं और धूप ढली रही कि खुद दरवाजे खोल देते हैं, पर्दे सरका देते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो आप कब आ रही हैं हमारे घर? जब आप बुलाएंगे। नहीं, जब आपकी मर्जी। कल आ जाऊंगी। आ जाओ।
कोई जेल भी नहीं जाना है, ऑफिस काम से फुर्सत भी है, आ जाओ। जूबी तुम्हें अपनी हीरोइन से सुनाएगी, मैं तुम्हें शेर सुनाऊंगा। आप अपनी ना सुनाना। क्यों नहीं? ना, हमें भारी पड़ जाएगा। आपका कलेजा हमसे ज्यादा मजबूत हो गया है, तो हमारी सुनना, अपनी ना सुनाना। नहीं सुनाऊंगी। कल नफीसा को लेना, वारिश को लेना, शिक्षा करना और आगे। नहीं अम्मा, अकेले जाएगी। अम्मा जब शहर को जानना हो तो उसमें खो जाना चाहिए, जब डर निकालना हो तो अकेले जाना चाहिए। आ जाओगी ना? आ जाऊंगी। गालिब साहब के शेर का मतलब अब समझ में आ गया। उन्होंने चोरी करने वाले चोर को बहुत दुआएं दी, क्योंकि वो सब कुछ ले गया और फिर चोरी का खटका ही नहीं रहा और चैन की नींद लग गई। जी ठंडा है यार। मैं कल शमा के आते पीऊंगा। शमा वो महल वाली चाय पिलाना, बहुत अच्छी। और बत्ती मेरे पास नहीं है, ले के आना। ले आऊंगा। बात कर रहा हूं। अब वो मेरे लिए सिर्फ मकान रह गया है। घर और मकान में फर्क जानते हो ना? अच्छा बताओ मिलेंगे कब? आज मेरा आखिरी परचा है, 6 बजे खत्म हो जाएगा, तुम बताओ। मैं बताऊं? Come on, you decide. मैं डिसाइड करूं? अगर बारात लेकर आ रहे हो तो तुम आ जाओ, वरना मैं आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं मिलती हूँ। बाय। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं नहीं आती। तू ऐसी बातें कैसे कर लेती है? मैं बताती हूँ मैं ऐसी बातें कैसे कर लेती हूँ। तुझे पता है मेरा मन क्या करता है? मेरा मन करता है कि मैं घोड़े पर चढ़कर बारात लेकर उसके घर चली जाऊँ और कहूँ अगर शादी करनी है तो दहेज दो वरना मैं जा रही हूँ। शर्म कर मुँह पर, शर्म कर। कमबख्त शादी के लिए घोड़े पर नहीं घोड़ी पर चढ़ा करते हैं। मालूम है मर्द घोड़ी पर चढ़ते हैं क्योंकि उनमें घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। मैं घोड़े पर चढ़कर जाऊंगी, हाथ में एक नंगी तलवार लेकर घोड़े को लात मारती हुई उसके पास जाऊंगी और कहूंगी अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चल वरना पीछे बैठ, मैं उड़ाकर लेकर जाती हूँ। ऐसा धोल जमाऊंगी कि तेरा घोड़ा और तेरी चाय दोनों जमीन पर गिर जाएंगे। Thank you.
दिया हूँ एग्जाम। वाओ, इतनी चहक, इतनी चमक, और एग्जामिनेशन खत्म होने के 10 मिनट पहले ही बाहर आ गए। अगर तुम रोज बाहर खड़े रहोगी तो मैं रोज 10 मिनट पहले बाहर आ जाऊंगा। और एग्जाम में अंडा लाओगे? अंडा लाऊंगा क्यों, अंडा लाने के दिन गए। तुमने मुझे सही राह दिखाई, टारगेट मेरे सामने रखा। Now I will hit the bullseye. I will get into banking services. Congratulations, Dilipa. Thank you. Treat me too. क्यों तुम क्यों मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ। क्या? Congratulations, either IAS या Allied Services. Wow, congratulations. Thank you. Same to you. चले? चलो। तुमने तो लिखा था कि तुम नहीं आओगी, फिर तुम अचानक कैसे आ गई? GPR से जब तू इम्तिहान देकर बाहर आओ तो मुझे सामने पाओ। चलिए। बहुत वंचित रखा है अपने आपको तुमसे, और नहीं रख सकते, इसीलिए एक रोमांटिक सिली गर्ल की तरह अपने दिल की बात सुन ली। क्या मैं ये यकीन कर लूं कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो तुम्हारी जुबान से निकला? मेरी रोम रोम से निकल रहा है, कसम से। जाड़े की धूप में रिलैक्स करने को जी चाहता है, वैसे ही तुम्हारी बाहों में रिलैक्स करने को जी चाहता है। पहले आदमी जिसके सामने अपने सारे डिफेंसेस, अपने सारे कवच उतार कर जीना चाहती हूँ। तुम्हारा हाथ अपने हाथ में थाम कर, तुम्हारी उंगलियों को गिनकर, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने बचे कुचे सिक्के गिनता है, मनी बॉक्स से निकाल कर खुश होता है, वैसे। तो मेरी एक बात मान लो, अपने डैडी से ये लड़ाई खत्म कर दो। मैं क्या मैं तुम्हारे डैडी का केस क्लीन नहीं करना, तुम्हारा और मेरा केस प्लीट करना। अमिता, जब तुम चली जाती हो यहां से तो ये शहर मेरे लिए बेमानी हो जाता है। बिल्डिंगें रह जाती हैं लेकिन आदमी नहीं रहते। तुम्हें याद होगा हमारे कॉलेज कैंपस में अमलतास के पेड़ हैं। जब गर्मियों में गर्मी की छुट्टियां होती हैं तब उनमें फूल आते हैं, बसंती फूलों से वो पेड़ लज जाता है, लेकिन सिवाय धूल और मिट्टी के उन फूलों को देखने वाला वहां कोई नहीं होता। यह शहर मेरे लिए भी कुछ इसी तरह है। देखो, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कम से कम यही रहो। दोबारा यही बात उठाई? हाँ, क्योंकि मैं हम दोनों के बीच में समय और फासले को नहीं आने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि सोने से पहले मैं तुम्हें गुड नाइट बोलूं और सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मैं तुम्हें उठाऊं। मैं शहर से अलग जाने का फैसला जानती हूँ, किसलिए किया है मैंने? क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम वो हो जिसने मेरे पिताजी की पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मुझे यूनियन इलेक्शंस जिताने में मेरी सहायता की। शमा की तरह तुम भी बड़े घराने से नहीं। मैं नहीं चाहती कि जब शादी की बात निकले तब वो तुम्हें तोड़े जिस तरह उन्होंने शमा को तोड़ा था। मैं भी से अलग रहना चाहती हूँ ताकि उनकी नफरत की, उनके गुस्से की बिजली तुम पर ना गिरे, वो मुझे ना रोक सके। शमा के सिलसिले में वो तकलीफ और शर्म मैंने उठाई है और उसी ने मुझे सिखाया है कि अगर किसी के साथ ना रह सको तो उसे छोड़ दो, रिश्ता होने के बावजूद अगर किसी के साथ ना रह सको तो रिश्ते को तोड़ दो। दिस इज इमोशनल सर्जरी, तकलीफ देने वाली भावनाओं को काट फेंको, ना मुझे तकलीफ होगी ना सामने वाले को, सबके लिए ठीक होगा।
आप बीमार थे, आपने मुझे खबर भी नहीं की। मैं खबर करती? किसे खबर करती, कहाँ करती? क्यों, मामा जी का नंबर नहीं है क्या आपके पास? उन्हें फोन करती कि मेरी बेटी को बुला दो, मुझे उससे बात करनी है। क्यों, क्या 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 बात है? नहीं कुछ खराब नहीं है। क्या बात है माँ, वो आपके भाई हैं, मेरे मामा जी हैं जिनके यहाँ रुकी हूँ। और यहाँ कहाँ रुकी है, किसके पास ठहरी है? ऐसा मत कहो, कांच टूटे तो हाथ से नहीं बनते, झाड़ू से बटोर कर एक तरफ कर देते हैं। और तूने अपनी माँ को ही एक तरफ समेट कर रखा है, सहेज कर रखा है आपको तो। आप ही तो है जिनके साथ लड़ झगड़ सकती हूँ, खट्टा मीठा बोल सकती हूँ, और फिर भी मुंह का जायका नहीं बदलता, वैसा ही रहता जैसा जैसे जैसे आंवला खाया। आप इतनी नीचे क्यों है? अपना मन मार कर तेरी बात मान लेती हूँ, उनकी सुन लेती हूँ, लेकिन तू इतनी कड़वी, तीखी और कसैली क्यों हो गई? यही तो जानना चाहती हूँ, आप इतनी रसीली क्यों है, और मैं ये नीम की निम्बोली क्यों बन गई? हाँ ये तो मुझसे पूछ रही है। आप इसे तो पूछना है। अच्छा, पैदा हुई थी कोई टेंशन थी क्या? टेंशन? हाँ, आप लड़का चाहती थी और हो गई मैं। क्या बताऊं, मेरे लिए तो दोनों ही भले थे, पर तेरे पिताजी लड़का चाहते। बस यही तो गड़बड़ हो गई, लड़का और लड़की के खींचतान में मैं ना लड़का रही ना लड़की रही। लोग कहते हैं मुझ में लड़का बन गया। कौन मरे हैं जो ऐसा कहते हैं? मेरी बिटिया तो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर और मन की इतनी उजली है, बस तेहा है तो गुस्सा जल्दी आ जाता है। ना गुस्सा नहीं आता ना, बस सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। वो बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स की लाइट में आउटडोर शूटिंग नहीं करते, वो जो दिखाई देता है वो मैं बोलती हूँ, यही बुराई है मुझे। तुमने अपना दूध अगर ज्यादा पिलाया होता मैं तुम्हारी तरह बन जाती। देखिए को अनदेखा कर बिटिया, मैं तेरी सारी कमी पूरी कर दूंगी, एक बार घर वापस आ जा, अपना ही गुस्सा थूक दे। मैं सिर्फ तेरी ही नहीं तेरे पिताजी की भी हूँ। माँ, मुझमें और पिताजी में नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों होते ना तो साथ रह सकते, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं, रिपेल करते हैं, साथ रह ही नहीं सकते। मुझे तेरी ये साइंस नहीं आती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू घर आ जाए, मेरे पास आ जाए। आप मेरे पास आकर रहिए, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी आप मेरे साथ रहिएगा। हाँ तो तू यहाँ नहीं आएगी? लड़की तो बाहर ही रहती है ना, लड़की को बाहर ही रहना पड़ता है माँ, चाहे नौकरी करे चाहे शादी करे। तुम इतनी पत्थर दिल हो गई। मेरा दिल बहुत नर्म है, बस अगर कोई नरमी से नहीं बरतता तो मेरे अंदर का नर्म पत्थर बन जाता। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो दोनों का हुआ ना। मुझे बहुत प्यार कर, मुझे प्यार की जरूरत है, प्लीज। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चारपाई बुनने का मूंज का बाल नहीं होता, वैसी हूँ। ये बोलो नर्म हो जाती हूँ, सूखा रखो हाथ काट देती हूँ, यही मेरी खूबी और यही मेरी ट्रेजेडी है। जो लोग मिले
मुझको।